में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। ये रात्रि में करीब 2 बजे थानाध्यक्ष बबीना को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि भरत उर्फ गोलू यादव, जो लाल सिंह परिहार के घर में घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर डायल 112 के साथ ही थानाध्यक्ष भी पहुंचे, उनको तत्काल ले जाकर के CHC पर एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में पता चला कि गोलू यादव के संबंध लाल सिंह परिहार की पत्नी के साथ में थे, जिसके वजह से वहाँ कभी कभी रात्रि में जाया करते थे। और कल रात्रि में जब वो वहाँ गए तो घर वालों ने उनको घेर लिया था, उनके साथ मारपीट कर दी, जिसके वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई है। कुल 5 लोगों को आरोपित किया गया है, जिसमें 4 लोगों को हम लोगों ने अभी हिरासत में ले लिया है और तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। शराब पार्टी की बात भी आ रही है? नहीं, अभी शराब पार्टी की बात अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। विवेचना अभी की जा रही है और सारे तथ्यों पर हम लोग आगे विवेचना करके जो भी साक्ष्य मिलेंगे सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट प्रेषित करेंगे। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।